इस वीडियो में हम लोग पाइप फिल्टर पढ़ेंगे। पाइप फिल्टर का दूसरा नाम सीएलसी फिल्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नाम लिख रखा है पाइप फिल्टर और सीएलसी फिल्टर, ठीक है। लास्ट वीडियो में हम लोग एलसी फिल्टर पढ़े थे, जहाँ पर हम लोग ये देखे थे कि जो फिल्टर है सी एल और सी दोनों मिलके अच्छा एक फिल्टराइजेशन कर रहा था, उसका जो परफॉर्मेंस है एल फिल्टर और सी फिल्टर से बेहतर होता है। तो यहाँ पे जो पाइप फिल्टर है इसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा होता है। इसमें क्या हम लोग देखते हैं, इसको सबसे पहले ये देखते हैं कि इसका नाम पाइप फिल्टर क्यों है। इसका पाइप फिल्टर इसलिए नाम है क्योंकि ये पाई के शेप में होता है। आप लोग जानते हो ग्रीक वर्ड जो पाई होता है, ठीक है, उसी के शेप में इसका सर्किट बना हुआ है। अगर इस नीचे वाले लाइन को हटा दिया जाए, सिर्फ ये वाले सेक्शन को अगर बनाया जाए, इस सर्किट्स को सपोज करो कि सिर्फ ऐसे बनाया जाए, यहाँ पे C1 हो जाए और ये C2 हो जाए, तो यहाँ पे ये जो शेप बनेगा, ये शेप किसके लिए, यही मेन फिल्टर का मेन पोर्शन, यही है। लोड तो हम लोग आउटपुट ऑब्टेन करने के लिए करते हैं, तो यही मेन आपका सर्किट्स बन रहा है फिल्टर का। तो ये जो फिल्टर है ये पाई शेप में होता है। आया बात समझ में? ये तो बेसिकली ग्राउंड के लिए हम लोग रखते हैं, तो ग्राउंड को सबको कॉमन ग्राउंड करने के कारण ये शेप ऐसा बन जाता है। क्लियर है? यहाँ पे हमने पहला पॉइंट में कुछ बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में यहाँ पे लिख रखा है, आप इसको पढ़ के समझ लेना। यहाँ पे दो कैपेसिटर यूज हो रहा है, एक इंडक्टर यूज हो रहा है, ठीक है। और जो कैपेसिटर है ये इनपुट साइड में यूज हो रहा है, C1 कैपेसिटर इनपुट साइड में यूज हो रहा है, यानी कि सबसे पहला फिल्टराइजेशन करने का काम C1 ही करता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो C1 है इसमें जो सिग्नल आएगा ये किसी रेक्टिफायर का आउटपुट सिग्नल यहाँ पे इंटर करेगा, सबसे पहले C1 सिग्नल को फिल्टराइज करेगा, फिर इस सेक्शन को अगर हटा दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे फिर से LC सेक्शन बन गया। अब LC सेक्शन बनने का कारण जब बन गया तो आपको ये पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी कुछ देर पिछले वीडियो में ही शायद हम लोग LC फिल्टर पढ़े हैं, तो उस LC फिल्टर का वर्किंग शायद आप लोग को याद होगा, तो सेम टू सेम वैसा ही ये वर्क करेगा। यानी कि इसमें दो स्टेप में फिल्टराइजेशन होगा, पहले स्टेप में C1 सिग्नल्स को फिल्टराइज करेगा, दूसरे स्टेप में L और C मिलकर फिल्टराइजेशन करने का काम करेगा। तो ओवरऑल जो इसका फिल्टराइजेशन प्रोसेस होता है वो बहुत ही बढ़िया आता है, यानी कि इसका जो आउटपुट सिग्नल आता है वो ऑलमोस्ट DC सिग्नल के बराबर आता है। इसका परफॉर्मेंस बाकी सारे फिल्टर से बहुत ही अच्छा होता है। चलिए देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स इसमें हमने लिखा है। इट कंसिस्ट ऑफ 1 इंडक्टर एंड 2 कैपेसिटर कनेक्टेड अक्रॉस इट ईच एंड। कह रहा है कि इसमें 2 कैपेसिटर और 1 इंडक्टर कनेक्टेड किया जाता है। फिर हमने लिखा है द 3 कॉम्पोनेंट्स आर अरेंज इन शेप ऑफ ग्रीक लेटर पाई। इन तीनों कॉम्पोनेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया गया है कि ये पाई के शेप में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपेसिटर इनपुट पाई फिल्टर। कैपेसिटर इनपुट क्यों बोला जा रहा है, तो अभी मैंने बताया कि कैपेसिटर इनपुट बोलने का कारण ये इनपुट साइड में इसका कैपेसिटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द इनपुट कैपेसिटर C1 इज सेलेक्टेड टू ऑफर वेरी लो रिएक्टेंस। वेरी लो रिएक्टेंस करने का मतलब क्या है, रिएक्टेंस जितना कम होगा, रिएक्टेंस को X से रिप्रेजेंट करते हैं, XC से रिप्रेजेंट करें, रिएक्टेंस जितना कम होगा उतना ज़्यादा ये AC सिग्नल को यहाँ पे बाईपास करेगा और DC सिग्नल को ब्लॉक करेगा, जो DC सिग्नल आगे सर्किट में फ्लो होगा। आई बात समझ में? सो यहाँ का पॉइंट को समझिए, इसको लिखा है हमने द इनपुट कैपेसिटर C1 इज सेलेक्टेड टू ऑफर वेरी लो रिएक्टेंस, मतलब C1 को ऐसा C1 सेलेक्ट करना है जिसका रिएक्टेंस कम हो, टू द रिपेल फ्रीक्वेंसी, हेंस मेजर पार्ट ऑफ फिल्टरिंग इज डन बाय C1। करने का मतलब ये है कि जो मेजर पार्ट ऑफ फिल्टरिंग है वो C1 के द्वारा ही कर लिया जाएगा, रिमेनिंग फिल्टरिंग करने का काम जो होगा L और C मिलकर करेंगे। आया बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग रिपल्स आर रिमूव्ड बाय कॉम्बाइनिंग एक्शन ऑफ L एंड C2। कहने का मतलब क्या है कि जो नेक्स्ट फिल्टराइजेशन करने का काम है L और C2 मिलके कर। फिर हमने यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है सर्किट मच बेटर फिल्टर देन LC फिल्टर। कहने का मतलब क्या है कि ये जो सर्किट है LC फिल्टर से ज़्यादा अच्छा है। However, C1 इज स्टिल डायरेक्टली कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई। C1 जो है सप्लाई से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है एंड वुड नीड हाई पल्स ऑफ करेंट इफ लोड करेंट इज लार्ज, ठीक है। कहने का मतलब ये है
कि यहाँ पे अगर लोड करेंट का वैल्यू लार्ज रहा तब भी ये काम कर जाएगा, ठीक है। दिस फिल्टर इज यूज फॉर द लो करेंट इक्विपमेंट्स। इस फिल्टर को वहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पे लो करेंट का रिक्वायरमेंट होगा। आया बात समझ में? तो इस तरीके से जितना फिल्टर पढ़ना था यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसका मैं नोट्स भेज दूंगा, उसको आप लोग लिख लेना अच्छे से, इसको अच्छे से पढ़ लेना। यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक क्वेश्चन फिल्टर से भी पूछा जाता है।